स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आजकल अच्छी नौकरी मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। कभी कभी योग्यता होने के बावजूद नौकरी मिलने में परेशानी होती है। कई बार नौकरी पाने के लिए आखिरी मुकाम तक पहुंचने के बाद अवसर हाथ से निकल जाता है। इसके पीछे वास्तु और ग्रह दोष हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्म के साथ ग्रहों का आपके पक्ष में होना बहुत जरूरी है। नौकरी मिलने में बाधाएं आ रही है तो कुछ टोटके अपनाकर आप इन्हें दूर कर सकते हैं। और आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 01207153787, 01207153826 नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए और इन नंबर पर कॉल करिए और अपनी समस्या का हल आप आचार्य जी से ले सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो नौकरी पेशे को लेकर है आचार्य जी, कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। और अगर मिल भी जाती है तो कई सारी दिक्कतें उसमें आने लगती है। तो ज्योतिष शास्त्र में कर्म के साथ साथ ग्रहों का आपके पक्ष में होना बहुत ज़रूरी ऐसा कहा जाता है, तो कौन से वो टोटके किए जाएँ जिससे कि ये बाधा उनके जीवन से दूर हो जाए? बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है कि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में नौकरी प्राप्त करने में ग्रहों का कितना सहयोग, और नौकरी में जो बाधाएं आती हैं प्राप्त में, उसे किस तरह से शास्त्रोक्त तरीके से दूर करें। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में नौकरी पाने के लिए गाय सेवा करना अति उत्तम माना गया है। इंटरव्यू जाते वक्त गाय को आटे के पेड़े में गुड़ रखकर का या गुड़ चने अपने हाथ से खिला देते हैं तो बड़ा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है नौकरी प्राप्त करने में, और संभावनाएं प्राप्त होने की प्रबल बन जाती है। कुमार को सफेद कपड़े में काले चावल बांधकर मां काली देवी को अर्पित करने से जल्द नौकरी प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखें ना, आपको नौकरी प्राप्त करने में बहुत अड़चने आ रही है। नौकरी आप जॉब छोड़ चुके हैं, घर बैठे हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। सुबह पक्षियों को सारा अनाज मिलाकर दाना खिलाना शुरू कीजिए, आपकी अड़चने दूर होंगी। कई बार होता है कि योग्यता है, आप कैपेबल हैं, आपकी एबिलिटी है और आपकी सामर्थ्यता भी है काम करने की, मगर आप काम नहीं कर पा रहे। नौकरी आपके पास है पर आप नौकरी में जी नहीं लगा पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। आप जो परेशानी, जो आलस, जो मन की बेचैनी, मन की अशांति जो दूर होगी। बड़ा सरल टोटका है जी। अब ये बड़े सरल हैं, इन्हें करना आपको पड़ेगा। और मान लीजिए आपको कई बार इंटरव्यू देने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो नींबू का, इंटरव्यू जाते वक्त नींबू के ऊपर चार दिशा में चार लौंग लगाएं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, 108 करके। और नींबू में जो चार लौंग लगाई है उसे जमीन में गाड़ के जाएं, देखिए आपको लाभ होगा। कई दिनों से नौकरी की तलाश में यदि आप हैं, कई जगह हाथ आजमाया, कई जगह आपने अपना सीवी दिया पर असफलता मिल रही है, इसके लिए रुद्राक्ष की माला धारण करके आप देने जाएं, आपको अवश्य बड़े छोटे छोटे से इन्हें आत्मसात करने से आपको बड़ा। और हमारे चंद्रश्री जी बहुत अनुभवी हैं, वो आप सबको
ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के इनके मन में प्रश्न रहते हैं, और जो प्रश्न करते हैं मैं उसका पूर्णतः पूरी तटस्थता से वैदिक ज्योतिष के आधार पर आपके सामने बात शेयर करता हूं। मैं समझता हूं कि ये आप अपने जीवन में आत्मसात करें, अवश्य इसका लाभ प्राप्त करें। आप मंगल शुभ जी, तो जी। आज का विषय भी युवाओं को लेकर है खासकर, और क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव युवाओं को ही है नौकरी को लेकर, तो आज का विषय स्पेशली हमने उनके लिए रखा है आचार्य जी, और उम्मीद करते हैं कि उनके बेहद काम आया होगा आपने जो उपाय बताए हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ गए, एक एक करके कॉलर को भी ले लेते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए हेलो जी। हेलो गुरु जी, राधे राधे। बहन गुरु जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना है। गुरु जी, उनकी जन्म डेट का तो मुझे पता नहीं, नाम है उनका रिस्पॉन्सिंग। तो जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, जब से टूना हुआ आपसे फोन किया था गुरु जी, तब से बहुत डर में बहुत झगड़ा करते हैं और रोते हैं। क्यों रोते हैं, झगड़ा क्यों करते हैं इतना गुरु जी? और शत्रु भी पहले ये बहुत बताइए कि रिछपाल जी दो भाई हैं क्या? नहीं, तीन भाई हैं गुरु जी। मैं के दो भाई और हैं, और ये क्या है इनके घर में? गुरु एक जी भाई, एक भाई तीन, एक्सपायर हुआ, चार भाई हुए थे। ये हाँ जी, चार भाई हुए थे, एक नहीं चार नहीं है गुरु जी, तीन भाई इनका भाई कोई हैं। एक्सपायर? हाँ, तीन अरे तीन तो हैं, हाँ जी, तीन कोई भाई बात हैं। नहीं, इनका कोई एक भाई हाँ, इनका एक कोई एक्सपायर हुआ है, और वो पितर के रूप को रोना जो आता है ना, वो पितरों के आप कृपा करके इनसे शुक्रवार के दिन माँ भगवती को, ये थोड़ा कम मान रहे हैं तो इनके श्रृंगार का सामान और एक चुनरी उड़वाएं, और माँ भगवती को किशमिश का भोग लगवाएं शुक्रवार के दिन। और ये सब करने के बाद मैं समझता हूँ कि इनका रोना ही बंद होगा और भी लगेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एक बात, नंबर दो बात, एक पानी के लोटे में पतासा डाल करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहें, अवश्य ने लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना आप ये कीजिए। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी नमस्ते। हेलो राम जी, नमस्ते जी, मैं बिहार से बोल रही हूँ जी। मैं अपने भाई के बारे में पूजा जानना चाहती हूँ पूजा बोल रही है। जी, उनका जन्म तिथि 19/8/1997 का है, मंगलवार दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुई थी जी। उनकी शादी कब हो गई और उनको जॉब हो गई या नहीं? शादी कब होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा मानना है कि ये महत्वपूर्ण विषय पर आप छोटा सा उपाय करना होगा, और ये उपाय बहुत छोटा है कि ये करक लग्न में जन्म हुआ है, बृहस्पति की महादशा है, और बृहस्पति इनका नीच का पति के घर में बैठा हुआ है, पत्नी के घर में, सातवें घर में बैठा है। इनका विवाह 2024 में, 2024 के बाद जाके संभव होगा। आप बिल्कुल निडर हैं, इनका विवाह का योग बन चुका है और ये 2024 बात बनेगी और 25 में शादी होगी। और नौकरी इनकी सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन इनको काले कुत्ते को रोटी अवश्य देनी पड़ेगी। चंद्र ग्रहण इनके बना हुआ है, और ये ग्रहण योग जो है ना, ये बहुत नुकसान करता है। ग्रहण कोई भी हो, सुनते ही डर लगता है, तो आप काले कुत्ते देते रहे, अवश्य लाभ होगा। मंगल कामना है आपको जी। इसी के साथ एक और कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अगले कॉलर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
बहनी की शादी कर रहा हूँ, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1979, 11:30 बजे दोपहर का, दिन में शाम चूर राजस्थान। तो मेरा सवाल आज मेरी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में है। तो मेरी कुंडली की वजह से उनका स्वास्थ्य 3-4 वर्षों से खराब हो रहा है, या तो दूसरा कारण है, एक तो हड्डियों से संबंधित समस्या रहती है, दूसरी मानसिक अशांति है, सब कुछ रहता है, भी कभी कभी मन खराब हो जाता है हड्डियों से। तो मेरी कुंडली की वजह से है या पर्सन कुंडली के हिसाब से आप बनाओ, सज्जन कमल नाम है। देखिए मनोहर सिंह जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आप मन से नियमित रूप से 5 साल से जुड़ते आ रहे हैं, और आपका मैंने देखा है कि आप प्रत्येक कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं और एक कार्यक्रम भी एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है, लेकिन आपको जो हम बताते हैं उसे भी आप करते हैं, और उसके बाद भी आपका ये प्रश्न है, थोड़ा सा खेद भी है, लेकिन मैं कर रहे हैं आपको आज एक छोटा सा उपाय देता हूं। मैं आज से ही आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य काफी हद तक ठीक होने लगेगा। आप कुछ मत करिएगा, 7 प्रकार का अनाज, जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इसे और तांबे में सिरा के आपकी धर्मपत्नी के सोते वक्त और सुबह जब उठे तो स्नान आदि करने के बाद उसे पक्षियों को डलवा देते, और ऐसा क्रम से 101 दिन नियमित रूप से कीजिए, और संध्या के समय एक शिव मंदिर में दीपक जलवाइए। सूखा जल गौमूत्र के घर में छिड़किए, धूप की धुआं कीजिए शाम को। आज ठीक नहीं होने लगे तो आप हमें कहिएगा, आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं है जी। और अब वक्त हो गया आचार्य जी राशिफल का, एक एक करके राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ज्ञान से विद्वता का प्रदर्शन करने का है। ज्ञान की चर्चा हर क्षेत्र में होने वाली है। शेयर मार्केट, सट्टा या जमीन, जायदाद से धन प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। माता के नाम पर जमीन खरीदना विशेष लाभ आज आपको दे सकता है। किसी परिजन की आकस्मिक सेहत बिगड़ना आपकी चिंता बन सकता है। दो यात्रा आप करें, आज का लकी कलर आपका पीला रहेगा, आज का लकी नंबर 1 रहेगा। आज का विष्णु भगवान की पूजा करें, ओम भगवती वासुदेवाय नमः। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों, आज से भरे रहेंगे मन में चंचलता के भाव, पूरा दिन मनोरंजन से बीतेगा। आज भाई और किसी स्त्री मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। निजी व्यवसाय करने वालों को आज उन्नति देखने को मिलेगी। गर्भवतियों को अपना विशेष ध्यान देने की आज जरूरत है। आज कलर काला रहेगा, आज का लकी नंबर 10 रहेगा। आज का उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमो हनुमते नमः। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। किसी प्रतिद्वंदी के कारण चिंता आज रह सकती है। धन व्यय करने से लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके कलर हरा रहेगा, आज नंबर 2 रहेगा। आज का की वृक्ष की 19 करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ओम नमः, ओम विष्णु नमः। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के।
भाग्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। लॉमेट से झगड़ा हो सकता है, पार्टनरशिप में चल रहे कार्य उलझ सकते हैं, सावधानी बरतें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी के धोखे का शिकार आज आप हो सकते हैं, पेट भोग हो सकते हैं, दिन ढलने तक सिर दर्द भी रह सकता है। आज का लकी कलर सफेद रहेगा, लकी नंबर 3 रहेगा। आज का उपाय चींटियों को भोजन कराना सर्वोत्तम रहेगा। आज का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं सिंह राशि दर्शकों के लिए। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाला रहेगा। आपकी वाणी के मिठास की हर तरफ चर्चा रहेगी, परंतु वाणी के कारण ही पत्नी से विवाद भी असंभव होता है। जब भी विवादों को असमाधान कर सकते हैं। आंख से पानी आना या किस तरह के इन्फेक्शन होने की आज पूर्ण संभावना दिखाई देती है। आज के लकी नंबर की बात करें 6 रहेगा और लकी कलर की बात करें आशमनी रहेगा। आज का उपाय सुंदर कांड का पाठ करें। ओम नमः। ओम पुत्राय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप किया जाए आप। और अब इसी आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। राशि का दिन बहुत चंचलता वाला रहेगा, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता दिलाने वाला रहेगा। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि परिवार में कोई रोग से पीड़ित है तो विशेष ध्यान रखें, उसे अधिक कष्ट हो सकता है। पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। का लकी कलर सलेटी रहेगा। आज का लकी नंबर 3 रहेगा। आज का उपाय मछलियों को आटा खिलाएं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करें तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। आज विदेश समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप यात्रा की प्रतीक्षा में हैं, आज आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। जमीन ऐश्वर्य से जुड़ी चीजें आज आप खरीद सकते हैं। आज उपहार में कोई वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। उनका मानसिक स्वास्थ्य आज ठीक रहने वाला है। बहुत ज्ञान की बात करेगा। आज का लकी कलर काला रहेगा। आज का लकी नंबर 10 रहेगा। आज का उपाय जमीन में लाल मिर्ची के बीज दबा दें। आज का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृष वाले सभी दर्शकों की। आज पर वृद्धि होने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों को नए संबंध आज स्थापित करने होंगे। आज माता के स्वास्थ्य में किसी तरह की समस्या पैदा हो सकती है और संतान पर ध्यान दे, पढ़ाई से हटकर खेल कूद में थोड़ा ध्यान जाएगा। चिंता ना करें, समय के अनुसार समय परिवर्तन हो रहा है। आज का लकी कलर हरा रहेगा। आज का लकी नंबर 1 रहेगा। आज का उपाय की बात करें साबुत मूंग पानी। और हमें बात कर रहे हैं धनु राशि वाले। आज कोई उत्सव हो सकता है। भाई का विवाह आपको बहुत व्यस्त रखेगा। शाम होते थोड़ी चिंता रह सकती है। आपकी विद्या आपके आत्मबल को बढ़ाकर कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में ना दिखाएं। आज आप पर हावी हो सकता है। आज का लकी कलर पीला रहेगा। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज उपाय रोगियों को भोजन कराना काफी ठीक रहेगा। करते कर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप ऊर्जा से भरे रहे, आपकी ऊर्जा आपके स्वभाव में दिखाई देगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, आज आपको नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको टीम लीडर भी बनाया जा सकता है। कार प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
शाह परिवार में कलह हो सकते हैं, आपकी वाणी कलह को बढ़ा सकती है, संतान की तरफ से चिंता आपको परेशान आज कर सकती है। आज का लकी कलर सफेद रहेगा, आज का लकी नंबर 4 रहेगा। आज का उपाय सूर्य को अर्घ्य है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले दर्शक, थोड़ा आलस्य आपको प्रभावित कर सकता है, आपकी वाणी दूसरों से निकालने की क्षमता रखेगी, वाणी के प्रभाव से आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, दूर की यात्रा का योग बनेगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठे और योग करें। आज नीला रहेगा, आज का लकी नंबर 7 रहेगा। आज का उपाय अपने गुरुजी को पेन पेंट करें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन राशि वाले सभी दर्शकों की, आज कुशलता पूर्वक व्यतीत होने वाला है। आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, आज आपका मन दो भागों में बटा रहेगा। आज किसी बड़ों की सलाह से कार्य करें, विदेश से लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। यदि कोई महिला मित्र है तो उनके साथ दूर किसी ट्रिप पर आज आप जाने का प्लान है। आज का लकी कलर, आज का लकी नंबर 1 रहेगा। गाय को रोटी खिलाएं। आज का हमारा अपना यह है जी, राशिफल तो पता चल गया आचार्य जी, लेकिन न जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ टिप्स युवाओं को दे दें, क्योंकि आज का विषय स्पेशली उनके लिए भी रखा गया था। युवा खास तौर पर बहुत जल्दीबाजी में निर्णय करता है। मैं सभी से आज हमारे इस जीनू राजस्थान के प्रोग्राम भाग्यफल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, जवाब देने से पहले चिंतन करें, फिर मनन करें और फिर उस पर निर्णय करें और उसके बाद क्रियान्वित करें। आज का हमारा टिप्स है चिंतन मनन और फिर चौथा क्रियान्वित करें। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। देखते रहिए भाग्यफल। फिलहाल के लिए नमस्कार।